बुरहानपुर जिले के ग्राम गुलई में हवा आंधी तूफान से केले के फसल नष्ट होने पर ग्राम पटवारी द्वारा सर्वे कर मुआवजा नहीं दिए जाने के संबंध में मंगलवार को क्षेत्र के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ग्राम गुलई में दिनांक 25 मई को आंधी तूफान आने से किसानों की कृषि भूमि में लगी केले की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। वहीं जिसके बाद पटवारी द्वारा ग्राम के रसूखदार किसानों की कृषि भूमि के नुकसान का सर्वे किया गया, लेकिन ग्राम पटवारी द्वारा छोटे किसानों की कृषि भूमि में आकर कोई सर्वे नहीं किया गया है। बार बार निवेदन करने पर भी आज तक कृषि भूमि में आकर कोई सर्वे नहीं किया गया है, जबकि आवेदक की कृषि भूमि में 70% नुकसान हुआ है। इसी के चलते पीड़ित किसानों ने फसल का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत कलेक्टर से की है। हम किसान हैं ग्राम गुलई से। हमारा 25 तारीख को जो आंधी तूफान आया था उसमें केले का नुकसान हुआ था और पटवारी द्वारा सर्वे किया गया, लेकिन वो सही ढंग से नहीं किया गया था और हमारा मुआवजा कम आया जो सही आना चाहिए। इसी बारे में हम कलेक्टर कार्यालय 12 किसान आए हैं और 12 किसानों का सही से सर्वे नहीं किया गया और 4 नाम उसमें सर्वे में छूट गए थे। सबका 50% से ऊपर नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत गड़बड़ की है। 25 तारीख को जो नुकसान हुआ था हवा आंधी से, उसमें हमारे खेतों में सर्वे सही से नहीं हुआ है। उसका 52% लिखा, किसी का 48% लिखा, पर हमको मुआवजा मतलब कि 1 लाख से ऊपर ही मिला है, जो हमको 2.5 लाख के लगभग होना था। तो इसमें घोर अनियमितता हुई है, इसके हम जांच मांग करते हैं कि हमको फिर से मुआवजा दिलाया जाए और उसकी पूरी जांच की जाए।